ఉత్తర ప్రదేశ్ కాన్పూర్ దేహక్ జిల్లాలోని పుక్రాయన్ వద్ద పాట్నా ఇండోర్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు పట్టాలు తప్పింది. ఈ ఘటనలో మృతుల సంఖ్య అంతకంతకు పెరుగుతోంది. ఇప్పటివరకు అందిన సమాచారం ప్రకారం 91 మంది మృతి చెందినట్లుగా సమాచారం. 150 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. ప్రయాణికులంతా గాఢ నిద్రలో ఉన్న సమయంలో రైలుకు చెందిన 14 బోగీలు పట్టాలు తప్పాయి. ఏం జరిగిందో తెలిసే లోపే చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. सर हो सकता है आप लोग कुछ ऐसे न्यूज़ फ्लैश करेंगे तो शायद वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और बाकी मेरे सारे फ्रेंड जो भी थे वो सेफ हैं अभी एक हॉस्पिटलाइज है और दो चार लोगों का सामान नहीं मिल रहा है वो ढूंढ रहे हैं कितने लोग मरे होंगे कितने लोग घायल हैं अब तक मेरा मरा कोई भी नहीं है एक हैवी कैजुअलिटी है उसमें मतलब उसको हैवी वो है चोटें लगी हुई हैं वो बर्बाद हो गए कितने डिब्बे S1 और S2 कम्प्लीटली डैमेज हैं और 12 डेरेल हुए हैं तो उसमें से शायद हो सकता है कि दो और भी ज़्यादा हैं एक AC का S1 के आगे वाला AC और एक S3 ये चार बोगीज हैं जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुए आइडिया से कितने आदमी की मौत हुई होगी यहाँ पे अराउंड 100 ओवर 100 क्योंकि 50 बॉडीज़ तो मैं खुद ही देख चुका हूँ S1 में हर बोगी में 90 सीट्स पे कम से कम 300 लोग ट्रैवल कर रहे थे जिसमें से जनरल टिकट के ऊपर ट्रैवल करने वाले इतने थे कि आप अगर टॉयलेट भी जाना है तो जा नहीं सकते थे निकल के ये रिजर्वेशन बोगीज के हालात थे तो आप सोच सकते हैं 300 लोग थे और S1 में से किसी को निकलने का टाइम ही नहीं मिला तो वो जितने लोग थे शायद उसमें से हाफ से भी ज़्यादा लोग तो वहीं के वहीं एक्सपायर कर गए तो मोर देन 100 गाड़ी थी कहाँ से कहाँ जा रही इंदौर पटना एक्सप्रेस थी और इंदौर से चल के पटना जाती हम लोगों को लखनऊ जाना था एग्जाम